Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फातिमा आपको नौशाही किचन में कहती हूँ वेलकम। तो आज मेरे किचन में बन रही है चिकन मसाला, और ये चिकन के सालन हम बना रहे हैं ग्रेवी वाला। तो इसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले ही मेरे पास चिकन है, ये 1 kg अप्रॉक्सीमेटली 1 kg चिकन है। 1 कप ऑयल है, बेसिक गर्म मसाला है, ज़ीरा है, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, ये मेरे पास जो है ये चिकन पाउडर है, ब्लैक पेपर पाउडर, क्रश रेड चिली, रेड चिली पाउडर, और ये जो है ये जायफल और जावित्री का पाउडर है। दूसरे मसालों में ये है 3 टमाटर, 3 ही मैंने प्याज लिए हैं, हरी मिर्चें ली हैं, अदरक और लहसुन लिए। अदरक को मैंने छोटा छोटा क्यूब्स में काट लिए। अब हम क्या करेंगे, ऑयल के अंदर इन सारे मसालों को, यानी टमाटर को, प्याज को, हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन को थोड़ा सा जो है वो भुनेंगे, और इसको निकाल के फिर इसकी पेस्ट बनाएंगे, और फिर आपको आगे दिखाते हैं। मान लो इनकी बर्गर के साथ मैंने जो है ऑयल उसमें डाल दिया। अब क्या करेंगे, इसी ऑयल में ये टमाटर डालेंगे, प्याज डालेंगे, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची, तमाम चीज़ें इसी में डालेंगे, और ये इतनी जल्दी सालन बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। बस इसमें इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे, बस 2-3 मिनट जो है हम इसको ऑयल में जो है वो रखेंगे, बस वो भी इसलिए कि थोड़ा सा जो इनका जो पानी है वो उसमें से ख़त्म हो जाए। ये देखिए, हम ये सारे मसाले जो ऑयल में कर रहे हैं, 1-2 मिनट इसको और करेंगे, जैसे थोड़ा सा तो यानी थोड़ी सी सॉफ्ट होंगी ये चीज़ें, हम इनको निकालेंगे, निकाल के गर्म करेंगे। बस भी ये देखिए प्याज और टमाटर हमारे को सॉफ्ट होने लग गए, इस स्टेज पर हम इसको किसी खुले मुँह के बर्तन में निकालेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे, और फिर हम इसे गर्म करके इसकी पेस्ट बनाएंगे। सारा मसाला मैंने खुले मुँह के बर्तन में रख दिया, अब मैं इसको थोड़ा ठंडा करूँगी। जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम अपनी चिकन को जो है वो रेडी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम की बरकत के साथ मैंने एक दूसरे बर्तन में जो ऑयल डाला है, ये मेरा दूसरा वाला ऑयल है जिसमें हमने वो सारी चीज़ें फ्राई की थी। ऑयल डालने के बाद जैसे ऑयल हल्का सा गर्म होगा, साथ ही मैं इसमें चिकन डालूँगी। इसमें चिकन का सालन इतनी जल्दी और इतना मज़े का बनता है, इस तरह से आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। चिकन को मैंने ऑयल में डाला, जैसे चिकन अपना हल्का सा कलर बदलेगी फिर हम उसमें अपने सारे मसाले डालेंगे, सूखा धनिया, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, जो भी मैंने आपको दिखाया वो डालेंगे। इसको 5 मिनट भूनेंगे, उसके बाद फिर आपको आगे दिखाते हैं। हमारे दिन की बैठक के साथ भून सकते हैं, चिकन ने कलर बदलना शुरू कर दिया। अब हम उसमें अपने तमाम मसाले जो है वो डालेंगे। हल्का सा पानी, ज़रा सा, 1 चम्मच के करीब आप डालेंगे पानी, सिर्फ 1 टीस्पून, सॉरी टेबल स्पून मैंने डाला है ताकि मसाले जो है वो जले नहीं और चिकन भी हमारी नीचे चिपके नहीं। जब तक ये मसाले बनते तब तक हमने जो पेस्ट, वो जो अपना प्याज और टमाटर का मिक्सचर तैयार किया उसकी पेस्ट बनाते हैं, फिर इस पर डालते हैं। प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन की पेस्ट जो है हमारी वो ठंडी हो गई है, सॉरी बैटर जो है। अब मैं इसमें डाल के इसकी पेस्ट बना लूँगी। पानी ही नहीं डालेंगे इसमें, डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि चीज़ें सारी अच्छी सी सॉफ्ट हुई पड़ी हैं। रहमान रहीम की बरकत के साथ ये रखिए, हमारी प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन की पेस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसको चिकन वाले बैटर में डालेंगे, इसको हमारा डालेंगे। इसमें डालेंगे वही अदरक लहसुन को जो है ना पीसने की जरूरत नहीं, हर चीज़ इसमें मिक्स होकर चलिए। मसाले के साथ इसको अच्छी तरह भून लेंगे। इसके साथ अब यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी। नमक मैंने इसलिए नहीं डाला था पहले क्योंकि चिकन पाउडर में अच्छा खासा नमक होता है, लेकिन उसे खाने के हिसाब से थोड़ा कम है, तो मैं आधा टेबल स्पून इसमें डालूंगी।
अब इसको अच्छी तरह से भूनेंगे फिर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के बरकत के साथ देख लीजिए कि सालन हमारा अच्छे से भुन चुका है। किसी चीज़ की इसमें माशाल्लाह से कोई हीट नहीं आ रही, ना अदरक की ना लहसुन की, ऑयल ऊपर आ गया। अब इस स्टेज पे मैं इसमें एक गिलास पानी डालूंगी और इसको 15 मिनट धीमी आंच पे बनाएंगे। अगर आप चाहें शोरबा बनाना तो इसमें और पानी ऐड कर लें, लेकिन मैं ग्रेवी बनाना चाह रही हूँ इसलिए मैं बस एक गिलास पानी का डालूंगी। फिर मैं आपको डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। मान लीजिए इनके बर्तन के साथ देखिए, चिकन हमारी जो बिल्कुल पक चुकी है, ऑयल ऊपर आ गया। अब इसमें जो मैंने आपको गरम मसाला दिखाया था वो डालेंगे थोड़ा सा, और बस अदरक और धनिया कटा हुआ जो मैं इसको डिश आउट करके फेस पर डालूंगी। मान लीजिए इनके बर्तन के साथ हमारी मज़ेदार चिकन करी डिश आउट हो चुकी है, भुना चिकन भी कह सकते हैं आप इसको। तो खाइए, इंजॉय कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपके साथ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।